Dear students, last time we have discussed about the AC machine and started about three-phase induction motor as you written on blackboard. So the rest part we will discuss today. Last time हमने AC machine के बारे में बात की थी जिसमें three-phase induction motor मैंने start कराया था. Three-phase induction motor में मैंने आपको construction के बारे में बताया था और उसकी starting frequency तथा running frequency के बारे में बताया था. अब हम बात करेंगे कि उसमें आगे क्या कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे यूजेस वगैरह होते हैं या उसके टाइप्स कितने होते हैं. और मैंने आपको लास्ट टाइम स्लिप्स के बारे में भी बताया था. मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ कि स्लिप क्या होता है, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्लिप बराबर ns माइनस nr, यानी कि स्टार्टिंग की स्लिप और रनिंग की स्लिप, जो स्पीड है स्टार्टिंग की और रनिंग की, उसमें जो भी अंतर है या जो भी कॉल है वो आपका स्लिप कहलाएगा. इसी में अगर आपको परसेंटेज स्लिप लगानी हो तो आप उसको एमएस करके इनटू में 100 कर देंगे, वो आपकी परसेंटेज स्लिप हो जाएगी. अगर मैं 100 को हटा दूं तो आपकी फ्रैक्शनल स्लिप हो जाएगी, जो कि हम लास्ट में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. अब आगे हम बात करेंगे कि थ्री फेज में जो स्पीड का या स्टार्टिंग करंट का जो भी डिस्कशन है उसके बारे में देख लेते हैं. इंडक्शन मोटर या कोई भी मोटर जिसके आउटपुट हमें मैकेनिकली प्राप्त होती है, इस पर शाफ्ट पे द आउटपुट ऑफ मोटर इज मैकेनिकली एंड एट शाफ्ट या रोटर, जो भी है उसे कह सकते हैं हम. इसका जो रोटर होता है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है. ये आपने मैग्नेटिक में पढ़ लिया होगा मैग्नेट वाले चैप्टर में कि सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है, लॉसेस को रोकने के लिए. हम लॉसेस को खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसको निर्धारित कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसके लिए बचत कर सकते हैं. उसके बाद जो हमारा स्लिप होता है स्टार्टिंग का रनिंग का अलग अलग होता है. अगर स्लिप 0% हो जाए इंडक्शन मोटर की तो स्पीड ऑफ रोटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्टेटर, स्टेटर की गति और रोटर की गति निर्धारित या बराबर हो जाएगी. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ रोटर और स्पीड ऑफ स्टेटर अगर इक्वल हो जाते हैं तो स्लिप विल बी 0%. तो ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है. अच्छा, एक चीज और हमें डिस्कस करनी है अभी बेसिक में कि जो ये मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट कुछ और होता है और रनिंग करंट कुछ और होता है. मतलब डायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि स्टार्टिंग में मोटर को चलाने के लिए टॉर्क की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो कैसे उसका जो करंट है स्टार्टिंग का वो डिफरेंट होता है वो हम एक बार देख लेते हैं. हम स्टार्टिंग करंट के बारे में बात कर रहे थे मोटर की. जो ये इंडक्शन मोटर है थ्री फेज का, इसका जो रोटर होता है वो होता है शॉर्ट सर्किटेड. रोटर होता है शॉर्ट सर्किटेड. तो रोटर शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण मोटर स्टार्टिंग में अधिक करंट लेती है. इंडक्शन मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में अधिक करंट लेगी. हम ये पहले भी बेसिक में पढ़ चुके हैं, जब कोई भी कंडक्टर या जो भी परिपथ शॉर्ट सर्किटेड होगा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा अनंत हो जाएगी. यानी इफ द सर्किट इज शॉर्ट देन द फ्लो ऑफ करंट विल बी इंफिनिटी. तो यही चीज मोटर के साथ भी है. इसमें कंडक्टर जो यूज हो रहा है वो शॉर्ट सर्किटेड है तो उसका स्टार्टिंग करंट अधिक होगा. अगला पॉइंट, यह करंट मोटर का जो फुल लोड होता है रेटेड स्पीड से अब मोटर के जो लोड होते हैं वो उसकी रेटेड स्पीड से या रेटेड टॉर्क से निर्धारित किए जाते हैं. इसी तरह हम गति की भी बात करेंगे तो यह करंट कितना होगा, यह करंट मोटर के फुल लोड का 5 से 7 गुना होगा. यानी कि कहने का डायरेक्ट मतलब है कि जो इसका स्टार्टिंग करंट है वो फुल लोड का 5 से 7 गुना अधिक होगा. इसी कारण से हम स्टार्टिंग भी स्टार्टर प्रयोग करते हैं, वो आगे आएगा. उसके बाद अगला पॉइंट और मेन पॉइंट, जो रोटर और स्टेटर है हमारा, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, ये हमारा स्टेटर वाला भाग और ये हमारा रोटर वाला भाग, ठीक है, लिख देता हूं स्टेटर और रोटर, ठीक है. तो इसके बीच में कुछ एयर गैप होता है जिसमें वो रोटेशन बनता है,
तो वो एयर गैप जो है फिक्स होता है, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आई तो वो क्या क्या नुकसान हो सकता है या उससे क्या क्या हानि हो सकती है वो समझ लेते हैं। रोटर तथा स्टेटर के मध्य एयर गैप कम से कम होना चाहिए, रोटर तथा स्टेटर के मध्य एयर गैप कम से कम होना चाहिए। द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर विल बी लेस एंड लेस। इफ द एयर गैप विल बी मोर, व्हाट शुड बी द लॉसेस दैट इज गिवन ऑन हियर। सो द फर्स्ट इज लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, लीकेज फ्लक्स विल बी इंक्रीज्ड। द सेकंड इज विल बी पावर फैक्टर लो हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर लो। द थर्ड पॉइंट इज मोटर हमिंग की आवाज करेगा और अधिक हीट भी हो जाएगा। एयर गैप होने के ये नुकसान है, लीकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर घट जाएगा और हमिंग करेगा, आवाज करने लगेगा और वो इसी कारण से हीट भी करेगा। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो मोटर और जनरेटर होते हैं या जितने भी वाइंडिंग रिलेटेड उपकरण होते हैं, इनमें जो ये लॉसेस होते हैं, ये लॉसेस किसके रूप में होते हैं? हीट के रूप में। जब आपने लॉसेस पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर का या मशीन का, तो P बराबर V इंटू I होता है और H बराबर I स्क्वायर RT। तो उसी से हम लॉसेस कैलकुलेट करते हैं, यानी समानता अगर हम कहें तो मशीन में या यंत्र में जो लॉसेस होते हैं वो हीट के रूप में होते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे। जब आप थ्री फेज के चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक ऐसा मिलेगा कि एसी और डीसी मोटर के बीच अंतर, तो हम उसको समझ लेते हैं कि डेवलप ये होता क्या है। आपने जब एसी थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें एसी और डीसी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी यानी दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। दोनों धारा अलग अलग होती है, दोनों में फर्क भी होता है, दोनों में अंतर भी होता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह समय के सापेक्ष में अपनी मान और दिशा परिवर्तित करती है, जबकि जो ये डिस्क धारा होती है यानी डीसी करंट, ये ऐसा नहीं करती, वह समय के साथ अपनी मान और दिशा नहीं बदलती, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मोटर, दोनों के बारे में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो मोटर एसी है उसकी जो सप्लाई होगी वो एसी होगी, सोचने वाली बात है, और डीसी की जो सप्लाई होगी वो डीसी पर कार्य करेगी। तो पहला पॉइंट तो ये याद रह जाएगा। और एक बात, जो ये एसी मोटर होता है इसमें स्टेटर और रोटर को दोनों को सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। और जो ये डीसी मोटर होता है इसमें स्टेटर या आर्मेचर दोनों को ही सप्लाई देनी पड़ती है और दोनों पे ही वाइंडिंग भी पाई जाती है। तो इसमें कुल मिलाकर जो है लॉसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि डबल वाइंडिंग का प्रयोग होता है, वो भी एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट, जब हम दोनों की गति के बारे में बात करेंगे तो जो ये हमारा एसी मोटर है वो सिंपल पोल पे निर्भर करता है कि 120 गुना में फ्रीक्वेंसी बटे में पोल। यहाँ पे ns जो है वो स्पीड है आरपीएम में, और जो डीसी का जो आरपीएम में स्पीड होता है वो होता है बैक ईएमएफ बटे में फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो भी फ्लक्स परिवर्तन की वजह से वो जो टॉर्क बना रहा है तो उसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है स्पीड के ऊपर। अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि भाई आपका जो ये एसी मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल इजी होता है, मतलब कि अगर हम स्टार्टर में जो प्रयोग करते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, तो एसी का जो है मुश्किल होता है लेकिन डीसी का आसानी से हो जाता है। तो ये चार पॉइंट आते हैं। अच्छा, डीसी का स्पीड कंट्रोल आसान क्यों होता है? क्योंकि डीसी में जो फील्ड डाइवर्टर मेथड है केवल रेजिस्टेंस को लगाकर उसमें क्या करते हैं, फील्ड को डाइवर्ट करके उसकी गति को कंट्रोल कर लेते हैं, और इसमें भी स्टार्टर लगा के कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो ये पॉइंट भी है। अच्छा, इसका एक पांचवा पॉइंट और है कि डीसी में जो है कम्यूटेटर और
कार्बन ब्रूस डीसी में कम्यूटेटर, कम्यूटेटर बोलते हैं दिक परिवर्तक को और कार्बन ब्रूस जो होती है, तो ये दोनों का ही प्रयोग इस मोटर में किया जाता है। लेकिन अगर हम एसी की बात करें तो उसकी सप्लाई देने के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग कर लेते हैं, एसी से एसी दे देता है वो। तो वैसे कार्बन ब्रूस का प्रयोग एसी मोटर में भी होता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता। तो हम सिर्फ इसमें ही मानेंगे कि दिक परिवर्तक और कार्बन ब्रूस दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, और इसमें हम स्लिप रिंग का प्रयोग कर देते हैं सप्लाई देने के लिए, जिसके कारण वो अपने फ्लक्स को बनाकर कार्य करता है। एक बार इसको नोट कर लेंगे कि एसी और डीसी मोटर में क्या अंतर है।